हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक 230 साल पुराना शिव जी का मंदिर दिखाने वाली हूँ। इस मंदिर का नाम है दुर्गेश्वर शिव मंदिर, और इसे मोटा महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर बिल्ड हुआ था 1794 में, ब्रिटिश टाइम में ये मंदिर बना था। एक इन्फ्लुएंसिव फैमिली ने ये मंदिर बनाया था, दत्ता फैमिली, मोहन लाल दत्ता। उनके दो बेटे थे, रशीक लाल दत्ता और जाहर लाल दत्ता। ये दो बेटों ने ही मिलके ये मंदिर को बनाया है। इस मंदिर की जो शिवलिंग है वो 10 फुट लंबी शिवलिंग है, मतलब बहुत बड़ी शिवलिंग है। और ये मंदिर मैं आज जा रही हूँ, सावन शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया है शिव जी के किसी मंदिर में मैं नहीं गई हूँ, तो चलो आज जाते हैं। आज मंडे है तो मैंने सोचा कि चलो आज जाते हैं और दर्शन भी कर लेंगे, और आप लोगों को भी मंदिर में दिखा दूंगी। सारी मेरे घर से मंदिर बहुत दूर है, तो मेरा जो रूट है मंदिर तक पहुंचने का, वो रूट मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। इजी, बहुत इजी रूट है। सारी डिटेल्स आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। रेडी होते ही मैं निकलती हूँ और ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। मेरे घर से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है कालीघाट मेट्रो स्टेशन। ये जो आप सामने वाला रास्ता देख रहे हो उसे कहते हैं राजबिहारी एवेन्यू। मुझे जाना है ग्रीस पार्क, तो मैं जा रही हूँ मेट्रो से। मैं कालीघाट, ये गेट नंबर 5 है, तो मैं इसी गेट से अंदर जाऊंगी। आप जैसे ही एंटर करोगे सामने में आपको बुकिंग काउंटर का वे और प्लेटफॉर्म का वे दिख जाएगा। ये आपको मैं चार्ट दिखा दे रही हूँ, इसमें पूरा डिटेल दिया है आपको कहाँ से कहाँ पे जाना है, कितने प्राइजेस लगेंगे, कौन से स्टेशन जाएगी, तो सारी डिटेल्स आपको इस चार्ट में मिल जाएगी। मैंने अपने लिए टिकट ले लिया है, तो मुझे जाना है ग्रीस पार्क, और मैंने कालीघाट से ग्रीस पार्क का 15 रुपीज़ पे किया है। तो प्लेटफॉर्म के अंदर जाने से पहले आपको ये मशीन क्रॉस करना होगा। ये मशीन में आपको ये कॉइन टच कराना है, टिकट कॉइन, और फिर आपको आगे की ओर बढ़ना है, मतलब प्लेटफॉर्म की ओर आपको जाना होगा। ये जो आप इलेक्ट्रिक बोर्ड ऊपर में जो देख रहे हैं उसी में मेट्रो की ट्रेन की टाइमिंग मेंशन रहती है। मुझे जाना था ग्रीस पार्क, तो मेरे को दमदम वाला रूट मेट्रो चाहिए था, और देखते ही देखते मेट्रो आ भी गई थी। हर 3-4 मिनट में मेट्रो आती रहती है, तो मैंने एग्जिट ले लिया था ग्रीस पार्क गेट नंबर 3 से। सामने में ही आपको मेन रोड दिख जाएगा, और ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, इस रास्ते से आपको 1 मिनट के करीब वॉक करना होगा। और आप जैसे ही वॉक करोगे एक चौराहा आएगा, एक क्रॉसिंग आएगा, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। तो आप उस ऑटो वाले से कह दीजिएगा कि मुझे मोटा महादेव जी का मंदिर जाना है, वो आपको वहाँ ड्रॉप कर देंगे। तो ऑटो वाले भैया ने मुझे उतार दिया है मोटा महादेव मंदिर के पास में, मेन रोड पे उन्होंने मुझे उतार दिया। उन्होंने कहा आप इस गली के अंदर चले जाइए, सामने में ही आपको मंदिर दिख जाएगा। तो यहाँ पे ही मुझे ऑटो वाले भैया ने मेन रोड पे ही उतार दिया है। तो चलिए अब मंदिर के तरफ में चलते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो आसपास में सब्जी का दुकान है, पूरी सब्जी का दुकान है, ऑटो चल रही है, तो एकदम मेन मार्केट में ही मंदिर है। तो आप जैसे ही 1 मिनट वॉक करोगे सामने यहाँ पे लिखा हुआ श्री श्री बाबा दुर्गेश्वर शिव टेम्पल, एकदम सामने में ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ पे आपको जूस सेंटर, महादेव जूस सेंटर, लस्सी, जूसेस सब कुछ मिल रहा था, स्टार्ट विथ 40 रुपीज़। तो मंदिर के पास में ही आपको छोटा छोटा दुकान मिल जाएगा, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, और इसी प्रसाद की दुकान में आप अपना चप्पल भी छोड़ दीजिएगा। जब वापस आइएगा तो आपको आपका चप्पल मिल जाएगा। मैंने अपने लिए ये कमल वाला प्रसाद चुन लिया था, वहाँ पर बहुत सारे टाइप के प्रसाद मिल रहे थे, तो आपको जो चढ़ाना है उस टाइप का प्रसाद चुन लीजिएगा वहां से। तो अब मैं जा रही थी मंदिर के तरफ। तो अब लाइन लगाने की बारी आ गई थी, काफी ज्यादा भीड़ था।
तो मंदिर तक पहुंचने के लिए दो लाइन लगी हुई थी, एक लेडीज की लाइन थी और एक जेंट्स की लाइन थी। तो देखते ही देखते मैं मंदिर के करीब पहुंच गई और यही है मोटा महादेव मंदिर जो 230 साल पुराना है। पूरा मंदिर ईटा से बना हुआ है और मंदिर बरगद के पेड़ से पूरा घिरा हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और ये मंदिर लगभग 50 फुट ऊंचा है। मैं मंदिर को बाहर से ही दिखा दे रही हूँ क्योंकि अंदर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। तो दर्शन मेरा काफ़ी अच्छे से हो गया, आई थिंक अराउंड 20 से 25 मिनट लग गया था मुझे मंदिर के अंदर तक पहुँचने के लिए। ठीक ही था, मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पहुँच जाऊँगी। मुझे एटलीस्ट लगा था 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, बट बहुत जल्दी मेरी दर्शन हो गई, काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन हुआ। अगर आप किसी और दिन आएंगे तो आपको काफ़ी खाली मिलेगा। तो दर्शन हो गया है और बहुत तेज का मुझे भूख लग रहा है, तो चलिए कुछ खाते हैं। तो मैं पहुंच गई थी काली घाट राजबिहारी एरिया, वहाँ पे बहुत ही फेमस सा एक दुकान है महारानी। यहाँ पे बहुत अच्छा कचौड़ी, समोसा, ढोकला, गुलाब जामुन, जलेबी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी मिलता है। सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो मैंने सोचा यहीं से खा लेते हैं। तो मैंने अपने लिए हींग की कचौड़ी ले ली थी, ये हींग का कचौड़ी था और उन्होंने आलू की सब्जी दी हुई थी मुझे। तो चलिए टेस्ट करते हैं अब। काफ़ी टेस्टी है खाने में। पूरी काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी अच्छा बना है, टेस्टी बना है। 10 रुपीज पर पीस। आप लोग भी जाइए मोटा महादेव जी के मंदिर और दर्शन करिए। अभी सावन चल रहा है तो भीड़ है, अगर आपको भीड़ में जाने का मन नहीं है तो आप किसी अल्टरनेटिव डे भी जा सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, ये पूरा वीक में ही ओपन रहता है। तो आप लोग किसी भी दिन चाहे तो जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लोकेशन बता दिया है कैसे आपको जाना है। तो आई होप आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू for watching and I will see you in my next vlog.